तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको अभी? आपने हमारे 4 MLAs को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया? तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कभी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में RSS की, नरेंद्र मोदी की। MIM पार्टी इसी को रोक रही थी। आज ये तीनों पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और बिहार का डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया है, और जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे उन ख्वाबों को आपने चुकना चूर कर दिया। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको अभी? आपने हमारे 4 MLAs को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया? और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है, दो दो मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ आपने? बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में RSS की, नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज़ को रोकना चाह रहे थे, MIM पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने MIM के 5 विधायक को कामयाब किया, तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायीद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कभी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज़ हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। हम तो पूछ रहे हैं ना तेजस्वी से, लालू प्रसाद यादव से, और लालू प्रसाद यादव की फैमिली से पूछना चाह रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है नहीं हो रही बताइए हमको? आपके पेट में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है? आपको रात में नींद अच्छी आई आप लोगों को? आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया हमारे 4 विधायक को खरीद कर, उनका जमीर खरीद कर। देख लिया आपने आज आपके आपसे क्या हो रहा है? दो दो मर्तबा आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और दो दो मर्तबा आप ही ने बीजेपी को सत्ता दी है बिहार में। अब बताइए लोकसभा में क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार है? इनको अगर हर चीज का जिम्मेदार तो हमको खड़ा करते हैं। आज ये तीनों पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफ़ी चाहनी चाहिए। और बिहार का डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया है, और जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे उन ख्वाबों को आपने चुकना चूर कर दिया। जो आपने सोशल जस्टिस की बात की थी, MY कॉम्बिनेशन की बात की थी आपने, EBC की बात की, सब क्या हो गया? वो जो आपने सर्वे किया था क्या हुआ उसका? सब खत्म करके रख दिया आपने। अपने लालच से, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आपने बिहार की जनता और उनके ख्वाबों को पूरा